ओला चालक की कार में ही गला दबाकर हत्या का मामला, पुलिस ने पत्नी और उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दो दिन पहले ही भिवंडी के मानकोली जंक्शन पर एक ओला कार में उसी के चालक की प्रभाकर जंगी जिसका नाम है, कार में ही लाश मिली थी। तो इस प्रभाकर जंगी की हत्या का खुलासा नारपोली पुलिस स्टेशन ने किया है। हत्यारा और कोई नहीं, उसकी अपनी पत्नी निकली। उसके पत्नी ने अपनी एक सहेली और उसके प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचकर दो लोगों को 1,00,000 रुपए में पति की हत्या की सुपारी दी थी। क्यों दी थी, इसका जवाब दिया है नारपोली पुलिस ने। देखिए क्या इसकी जानकारी दी है नारपोली पुलिस स्टेशन ने। पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी सुपारी देकर, पूरा मामला क्या है? नारपोली पुलिस स्टेशन के एरिया में मानकोली ब्रिज के पास एक ओला कैब ड्राइवर की हत्या हो गई थी। पुलिस ने जब शिकस्त किया तो वो आदमी प्रभाकर गंजी कनेरी में रहने वाला निकला। तो उसकी पत्नी की खबर लेके यहाँ पर खून मर्डर का गुना दाखिल कर दिया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच थाने और नारपोली पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उस इन्वेस्टिगेशन में मयत प्रभाकर गंजी जो है उसकी बीवी सुश्रुति गंजी, इसने उसकी सहेली और उसका प्रियकर ये दोनों को मिल गए, प्लान करके और दो आदमी को सुपारी देके इसका खून गला दबाकर खून किया है, ऐसा निष्पन्न हुआ है। कितने की सुपारी दी थी? 1,00,000 रुपए की सुपारी दी थी। ये तीनों आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया है। 13 तारीख तक उनका पुलिस कस्टडी रिमांड है और बाकी दो आरोपी मिलना है। अभी इसमें मामला क्या था सर, क्यों उनकी हत्या करवाई गई? ये मियाँ बीबी जो श्रुति और प्रभाकर दोनों के भी विवाह बाह्य संबंध थे और इसलिए श्रुति जो दीपेश वाला जो आरोपी है नितेश वाला उसके साथ शादी करने वाली थी और वो उसके हस्बैंड को तलाक मांग रही थी। तो वो तलाक नहीं दे रहा था इसलिए उनमें झगड़े होते रहते और उस झगड़े में उन्होंने प्लान करके उसका खून करवा दिया। गुत्थी को सुलझाने में सर कितने समय लगे? ये 2 दिन में सुलझे। इसमें रिमांड कब तक? 13 तारीख तक। कितने